वेरी गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग ऑल यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो आज हम लोग मैराथन क्लासेस पार्ट थर्टी नाइन है ना थर्टी एट क्लासेस हो चुकी है यानी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया गया था उसमें मैंने आपको संभव बैच में कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने यानी जो ट्रिक्स वाला पार्ट था जहाँ से क्वेश्चन आपको जीप एग्जामिनेशन में आते हैं उन सब को हम लोग क्या कर लिए थे कंप्लीट कर लिए थे डेट अनाउंस हो चुकी है यानी फाइनल डेट डन हो गया है कि किस तारीख को आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी यानी जो भी आपने गेन किया है जीडीसी के थ्रू या जो भी आपके और भी जो दूसरे टीचर्स हैं उनके थ्रू उन सबको शो करने का उन सबको स्प्लिट करने एक साथ लाने का जो टाइम है वो आपका डेट आ चुका है ठीक है ना तो मैराथन का जो रिमेनिंग पार्ट था यानी जो मैराथन सीरीज में अभी तक चीजें और छूटी हुई थी वो दोबारा जीडीसी ने शुरू किया है आई होप आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसके एक्सप्लेनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि लास्ट टाइम है बेटा ये आखिरी का टाइम है जिसमें आपको जैसे होता है कि डेथ ओवर में आपको सब कुछ करना है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही मैच को जिता ले जाते हैं यानी विनर्स कौन होता है ओपनर्स कोई विनर्स नहीं होता कि आपने स्टार्ट कैसे किया आप एंड कैसे कर रहे हो है ना मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा कर दिया आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा था सब कुछ आपने टाइम दिया लेकिन अगर आपका एंड खराब हो गया तो आप वहां पर कुछ ना कुछ क्या करोगे आपकी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी इसलिए एंड बहुत अच्छा होता है अंत भला तो सब भला यही कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला यानी कि ये एंड टाइम है जीपेट जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के जो भी स्पायरेंट हैं आप में से आप सबके लिए क्या है एंड टाइम है जहां पर आपको सब कुछ झोंक देना है अब और बिल्कुल काम हो करके मतलब शांत हो करके ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हेडेक लेना है बहुत ज्यादा फियर में आना है बहुत ज्यादा फोबिया होता है चीजों को लेकर कैसे कुछ भी चीज नहीं बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाकर के पेपर को देना है आपने जो भी पढ़ा है उसको अब वहां पर क्या करना है एक जगह पर ला करके उसको कंक्लूड करने का टाइम है तो जो भी टाइम आपको मिल रहा है मैराथन सीरीज के थ्रू उससे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और भी आपको जो भी टाइम्स आपने जो कोर्स को जैसा रिवीजन का शेड्यूल आपने बनाया उसको फॉलो कीजिए ये आपका जो अब लास्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी से आपको क्या करना है फोकस करना है ठीक है ना चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं यानी कि आज हम लोग रेजिन टेनिस्ट कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स ट्रेडिशनल एंड मैरिन ड्रग्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और इसमें रेजिंस टैनिन्स, कार्बोहाइड्रेट इन सब के बारे में मैंने आपको संभव वाले बैच में भी बहुत अच्छे से चीजों को क्या किया था क्लियर किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट द पेट्रोलियम स्प्रिट बताइए कौन सा कलर शो करेगा गैम्बियर फ्लोरोसिन टेस्ट में तो यहां पर आपका ऑप्शन है जी ग्रीन फ्लोरिसेंस ब्लू फ्लोरिसेंस येलो फ्लोरिसेंस और रेड फ्लोरिसेंस सबसे पहले तो गैम्बियर फ्लोरिश किसे कहा जाता है तो मैंने आपको सिनोनिम्स दिया था कि पेल यानी पीला कलर का कैचू यानी काजू कौन खाता है गौतम गंभीर मैंने आपको याद करवाया था क्या यानी गैम्बियर का आपका क्या है जी तो सिंपली इसको हम पेल कहते हैं क्या ये आपका क्या है पेल कैचू है तो पहला तो सिनोनिम्स भी आपको याद रखना है मैंने याद भी करवाया था कि पीला काजू जो है वो कौन खाता है गौतम गंभीर खाता तो गंभीर से गैम्बियर आ गया था क्या चलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑब्बियस ऑब्बियस ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर दैट इज द ग्रीन फ्लोरिस क्लियर हो गया तो आपको सिनोनिम्स भी याद रखने हैं गैम्बियर फ्लोरिसेंस किसके लिए पेल कैचू को कहा जाता है तो देखिए ना क्या कहा जा रहा है भाई तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर पेल कैचू पेल कैचू ही गैम्बियर आपका है है ना मैंने आपको याद भी करवाया था संभव वाले बैच में यहां पर क्या जी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करा है कि अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्रूड ड्रग एनओएच के साथ यानी कि एनओएच के साथ लिक्विड पेट्रोल के साथ शेक करते हैं

आपको मुझे मालूम है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन पे भी है ना लेकिन अब यहां पर देखो ना एक जिंजीरोल है तो बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जीपे टू 2019 का क्वेश्चन है जी बिल्कुल दो क्या है क्लोज आंसर है स ऑप्शन बी आप जो कह रहे हैं बेटा जिंजीरोल ही करेक्ट आंसर होगा बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप मिल जाते हैं यानी हिंट मैं आपको कर रहा हूं कि जिंजीरोल और जिंजरल में बताइए बस ए और ओ का फर्क है आपको क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने हैं ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑब्बियस जिंजीरोल आपको मालूम है तो क्या है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ जिंजर राइजोम्स का क्या किया गया है तो बायोलॉजिकलजीबर जिन्जीबर की फैमिली है अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो मोनो टर्पिन में बिटा कैम्फीन कैम्फिन साइट्रल ये सब सा प्रेजेंट होते हैं सेस्क्यू में आपका बिसा बोलिन एंड फार्नेसिन प्रेजेंट होंगे

फी सीनियल को लेकर के ठीक है ना तो ये प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना स्टूडेंट बिल्कुल याद रखना है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिलाक इज अ रेजिनास सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सीक्रेशन दैट इनक्रस्ट द बॉडीज ऑफ द स्केल इंसेक्ट क्या कह रहा बेटा जो सिलाक है एक रेजिनास सब्सटेंस है प्लांट के bark के नीचे वहां पर बग प्रेजेंट होते हैं आपने पढ़ा होगा कि बग क्या होते हैं तो बग जो होते हैं एक uh, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम तो नहीं कह सकते इंसेक्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है बग और पैरासाइटिक uh, होते हैं बेसिकली है ना तो प्लांट के बार्ग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं बेटा बेटाट करते हैं क्या चीज का भाई आपके सिलैक को

मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इस बार जुडिशियन फिर से रिकॉर्ड यानी कि इतिहास रचने वाली है टू थाउजेंड प्लस कर दूं ना पिछले बार 1500 प्लस सिलेक्शन था इस बार टू थाउजेंड प्लस ना या थ्री थाउजेंड प्लस कर दूं अरे तीन हजार प्लस सिलेक्शन होगा या दो हजार प्लस बताओ आप लोग बिल्कुल क्लियर है कैरिया लक्का यहाँ पर सही ऑप्शंस होंगे ठीक है ना तो कैरिया लक्का ही है जहां से हम क्या करते हैं सिलेक को ऑबटेन कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे जिनकी फैमिली क्या है जी कैरिडी कौन सी फैमिली है तो फैमिली भी याद रखना है कैरिडी ऑल्सो नोन एज लेफर लैका इसको हम लेफर लक्का भी कहते हैं क्लियर हो गया केमिकल कंसिस्टेंट की बात की जाए तो लैक रेज कंसिस्ट ऑफ एल्यूरिटिक एसिड सिलोइक एसिड कैरोलिक एसिड ब्यूटोलिक एसिड ये सारे केमिकल्स कंसिस्टेंट हैं

हैं चलिए <laughs> पे आते वही है जी यानी ही बात होगी किसकी होगी भाई पेल कैच पीला का, काजू कौन खा रहा था गौतम गंभीर मैंने याद करवाया था तो अनकेरिया गैम्बियर बिलोंग टू द फैमिली बताइए गैम्बियर की फैमिली क्या होगी रूबियसी कॉम्ब्रिटेसी पसी और रोजेसी क्या होगा अनकेरिया गैम्बियर बिलोंग टू द फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट कहा से बिलोंग करेंगे जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए अनकेरिया गैम्बियर बिलोंग्स टू द फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करेंगे ऑप्शन ए बी अरे बी ऐसे क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तीन क्वेश्चन हो गया उसके बाद कंफ्यूज होना शुरू हो गए

केमिकल कंसिस्टेंट में कैटेचिन है जी आपका कैटे चुटेनिक एसिड है आपका फ्लोबिटेन है कैटेचोरेट है क्वार्टीन है गैम्बियर फ्लोरिसिन है यूजेज आपका लोकल एस्ट्रीजेंट डायरिया लोजेंस डाइंग एंड टेनिंग डाइंग और टेनिंग के रूप में इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कैस्यू इज यूज इन मेडिसिन एज एन

यहां पर करेक्ट आंसर आपका ऑब्वियस एस्ट्रीजेंट के रूप में क्या होंगे स्टूडेंट यूज होंगे यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा जी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस आई होप आपको यह चीजें क्या हो गई होगी क्लियर हो गई होगी अब यहाँ पर दिया गया है कुछ फार्माकोलॉजिकल यूजेस प्लांट्स के कि बीटर कौन से होते हैं कार्बिनेटिव कौन से होते हैं इमेटिक्स कौन से होते हैं ये एक बार ये चार्ट आपको याद कर लेना एक बार देख लेना है कि इसमें किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंडेस्टाइनल ट्रग जी आई पे एक्ट होने वाले ड्रग उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या किए गए, है, गए हैं स्टूडेंट दिए गए हैं बाकी कुछ और भी ड्रग है ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि एक्सपेक्टोरेंट कौन है एंटी एक्सपेक्टोरेंट कौन है एंटीटेसिव कौन सा है ब्रोनकोडाइलेटर प्रॉपर्टी किसके पास है ड्रग एक्टिंग और कार्डियक सिस्टम भी एक साथ दिया गया है कार्डियोटोनिक्स कार्डियक कार्डियजेंट एंटी एंटीहाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब यूजेस के बेस पर यह दिया गया है ठीक है ना तो इसको अगर आपके पास कोकाटे बुक है तो वहां पर भी टेन पॉइंट वन नाइन पेज नंबर में दिया गया है जी ठीक है ना वहां से भी आप देख सकते हैं और नहीं तो आपके पास मंत्रा में तो बिल्कुल थ्री फोर्टी फाइव पेज में वॉल्यूम वन में दिया गया है इसको ठीक है ना तो अगर मंत्रा नहीं है तो भी आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको एक बार देख लेंगे पूरे फंक्शन एक साथ हैं पूरे फंक्शन एक साथ हैं तो आपको याद रखना है कि जीआईटी पे कहां पर है सीबीएस में कहां पर ये सारी चीजें ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम मैरिन सोर्स हैव अ पोटेंट साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज

आपके क्लिनिकल ट्रायल्स दो में जा चुके हैं ऑप्शंस आपके पास है जी ब्राउस्टेटीन्स वन डोलास्टेटीन एक्टिन, सिंडिन एंड डायवनीन्स अब बताइए इसमें से कौन से ड्रग हैं जो ल्यूकेमिया के लिए यूज होंगे यानी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होगा साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होगा और इनका सोर्स मैरीन होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका सोर्स क्या होगा मैरीन होगा हाँ यूजेस एक बार कर लेना देख लेना है ना समाइम्स फार्मा कोगोनोसी में क्वेश्चन यूजेस से आ जाते हैं तो यूजेस आपको एक बार देख लेना है ठीक है ना एक बार इंपॉर्टेंट तो कम से कम देख लो ना कि कार्डियो कार्डियक पे कौन सा है जीआईटी पे कौन से हैं, ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना वो ब्लड पे कौन से एक्ट कर रहा है यानी दो तीन चार तो इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको क्या करना है काम करना है ठीक है ना बाकी और नहीं भी याद कर सकते लेकिन दो तीन तो याद कर लो जीआईटी पे कार्डियक पे ब्लड पे आपके हार्मोन्स पे इन सब वाला आपको याद करना है ठीक है चलिए यहां पर ऑप्शन सी नहीं होगा क्यों सी लगा रहे हो यहां पर ब्रायोस्टेटिन वन होंगे ना जिनके पास क्या होंगे मैरिन ड्रग है नहीं याद है तब भी याद करना है है ना अब लास्ट का बिल्कुल है अब बिल्कुल छोड़ना नहीं है चीजों को तो ब्रायोस्टेटिन के पास ल्युमिया यानी ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी सोर्स क्या है जी मैरीन है जीपेट सिक्सटीन का क्वेश्चन है क्या कह रहा है तो देखिए ना एंटी कैंसर एजेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रामीन सोर्स क्लिनिकल ट्रायल फेज क्लिनिकल ट्रायल फेज के अंडर में आपको मालूम है कि कोई ड्रग आता है तो लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं अलग अलग फेज होते हैं प्री क्रीनिकल ट्रायल्स ने पढ़ा होगा जिसमें एनिमल चलते हैं फेज जीरो फोर में आप हम इंटर करते हैं फार्मे को विजिलेंस उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के पास जाता है सारी चीजें पढ़ा होगा तो उस कारण से टाइम लग रहा है तो फेज में कौन सा क्रिमिकल ट्रायल फेज में कौन कौन सा है तो डायडेमिन भी ये क्या आज ये केमिकल इसमें डिस्प पेप्टाइड है यहां पे ड्रग है सोर्स आपका कार्बियन सी है आपका और बाइंड टू द एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी विच विद द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल तो ये भी कैंसर सेल पे ही काम करते हैं तो डेटनोमिन है ब्रायोस्टेटिन देखिए अभी अपन यही तो देख रहे थे कि मैक्रोसिस्टिक लैक्टोन्स है आपके ब्रायोजोन रेगुलर नेरटिना से इसको हम ऑबटेन करते हैं और ये आपके क्या करते हैं तो यूज होंगे आपके फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स में है अल्जाइमरस डिजीज में भी यूज होंगे कैंसरस सेल की ग्रोथ को भी इनहिबिट करने के लिए क्या होंगे यूजफुल होंगे इसके अलावा डोला फॉस्टेटिन टेन लिनियर पेपेटाइड है जी सी हेयर या डोबेलिला या ऑरिकुलेरिया से इसको क्या करते हैं ऑबटेन करते हैं पोटेंट इनहिबिटर है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली का क्या है पोटेंट इनहिबिटर है तो ये ड्रग का एग्जांपल तो आपको याद ही करना है ठीक है ना क्या है भाई इसको याद ही रखना है ठीक है कि कौन कौन से हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन च ऑफ द फोलोइंग ड्रग डज नोट गिव पिंक कलर विद्यूटम रेड बताइए ना रिटीनियम रेट के साथ पिंक कलर इनमें से कौन से नहीं देते हैं अगार गुवार पैकेटिन और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर वन नाइन जीरो सेवन अच्छा आरजीपीवी वालों से पूछो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है हैं? मैं भी आरजीपी भी सही पास आउट हूं <laughs> जीपेट की बात करते हैं एनटीए की बात करते हैं आई की बात करते हैं कहां से राजीव गांधी को लेकर के आ गए चलिए क्या हो जाएगा तो कौन नहीं देगा जी पिंक कलर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुआरगम ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? तो है तो वो गुआरगम के बारे में गुआरगम रिटेनियम रेड के साथ नो पिंक कलर कोई पिंक कलर नहीं है प्रेजेंस ऑफ गुआरगम गुआरगम लीडिटेट के साथ आपको प्रेसिपिटेट हो जाएगा बताएगा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें गुआरगम प्रेजेंस है अगर गम वाटर के साथ सेक करोगे नो ब्लू कलर आएगा इट मीन क्या है गम प्रजेंट है तो गुआर गम का कुछ क्या है जी केमिकल टेस्ट है जो आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है नेक्स्ट 1908 नाइन जीरो एट वॉट आर नोन एज बोल्सम बॉल्सम का मतलब क्या होता है बेटा तो बॉल्सम मतलब रेजिंस डिजॉल्व इन वोलाटाइल ऑयल मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल ऑयल विद्यूटर पींस सोलोडिफाइड रेजिन डिवॉइड ऑफ ब्लड ऑयल टर्पिन और पोलिसाइक्राइड मिक्स विद वोलाटाइल ऑयल वॉल्सम्स का मतलब क्या होता है वॉल्सम किसे कहते हैं 1908 आज का पेपर हालत खराब कर रहा है चलो कोई बात नहीं है ना बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं यहां से लेकिन आते हैं हाँ ये भी सही है चलिए क्या होगा बॉल्सम्स का मतलब क्या है ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा किस चीज में आपके बॉल्सम में तो याद रखेंगे बॉल्सम का मीनिंग क्या होता है तो देखिए बॉल्सम रेजिस्स का मतलब है, रेजिन इन कॉम्बिनेशन एरोमेटिक एसिड लाइक एंड बिजोईक एसिड रेजिन डिजोल्वल ऑयल रेजिन्स को वोलाटाइल ऑय्स में क्या करेंगे ऑप्शन सॉरी uh, नहीं होगा बेटा ऑप्शन डी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रेजिन रेजिन ऑयल ऑयल होगा Regin, uh, होगा A, होगा इन ऑप्शन ए पे करेक्ट ठीक है ना ऑयल में जो डिसोल्व होंगे उसको हम कहेंगे ठीक है ना बोलसम रेजि है ना भाई टोलू बोल्सम पेरू बोल्सम मैंने आपको बताया था याद भी करवाया था कि राशि के सारे दोस्त मेल फ्रेंड थे अपन सब याद उसमें से एक जीतू था ऐसे करके मैंने ट्रिक्स दिया था आपको ठीक है ना चले नेक्स्ट आते हैं मे एपल प्लांट पजेज अब मे एपल अब ये एपल प्लांट तो है नहीं सेब तो है नहीं इसका क्या नाम है भाई पोडोफाइलम है ना शायद का सिनोनिम्स पोडोफाइलम शायद होगा है ना तो मे एपल मतलब एपल मत समझ लेना है ना तो मे एपल प्लांट पजेज एंटी अल्सर और एंटी कैंसर एक्टिविटीज बताइए मे एपल यानी कि शायद ये पोडोफाइलम ही है है ना तो बताओ ना क्या हो जाएगा पोडोफाइलम को ही मे एपल कहते हैं ना तो पोडोफाइलम के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है परगेटिव हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी कैंसर एक्टिविटीज क्या होगी क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइन जीरो नाइन पे आइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर यहां पे करेक्ट आंसर होगा एंटी कैंसर एक्टिविटीज यानी ऑप्शन डी में एपल यानी कि पोडोफाइलम हाँ

स इनके आपके केमिकल कंसिस्टेंट है पोडोफाइलिन है पोडोफाइलोटॉक्सिन्स है ये सारी चीजें आ रही है यहां पर ठीक है ना यूजेस में परगेटिव बिटर टॉनिक एंटी कैंसर ये सारी चीजें यहां पर क्या आ जाएंगे यूजेस में आ जाएंगे ठीक है ना तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विस्कोसिटी अगर इक्वल कंसंट्रेशन पे यूज करेंगे तो बीच मैक्सिमम विस्कोसिटी किसके पास देखने को मिलेगा मेज एंड स्टार मेज स्टार्च राइसो स्टार्च इक्वल क्वालिटी में यूज करेंगे तो बताइए ना क्या होगा मेज स्टार्च राइस स्टार्च व्हीट स्टार्च पोटैटो स्टार्च क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर वन नाइन वन जीरो मेज स्टार्च राइस स्टार्च व्हीट स्टार्च पोटैटो स्टार्च करेक्ट आंसर आते हैं तो ऑप्शन डी यानी कि पोटैटो स्टार्च हो जाएगा ठीक है ना तो पोटैटो स्टार्च यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विस्कोसिटी ऑफ द मिसलेज डिपेंड द वैरायटी ऑफ द स्टार्च द टाइम फॉर द बीच ऑफ द फ्लू क्या कहा जा रहा है कि किस टाइप ऑफ वेराइटी या किस वेराइटी के स्टार्स को यूज करो और कितने टाइम तक कि उसको हीट कर रहे है उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम बिस्कोसिटी बिंग अटेंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम विच इज डिफरेंट फॉर ईच स्टॉर्च एंड फर्दर हिटिंग रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ विस्कोसिटी यानी कि एक एक टाइम के बाद आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा लेकिन उसके बाद अगर और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो विस्कोसिटी फिर से कम होना शुरू हो जाएगा तो टाइप ऑफ स्टार्च वीट है राइस टू पॉइंट थ्री फोर है मेज आपका थ्री पॉइंट फाइव है पोटैटो में आपका ट्वेंटी थ्री टू सिक्स है तो ये मैक्सिमम विस्कोसिटी आपको किसके साथ देखने को मिला है पोटैटो के साथ देखने को मिला तो पर क्वेश्चन है? है और पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रेजिंस से रिलेटेड बिल्कुल ट्रू है यानी कि सत्य है जी ऑक्सीजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन एंड एसिड क्या रेजिंस ऑक्सीजिनेटेड प्रोडक्ट है किसके भाई टर्पींस का और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्बियस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट कह रहा है जिकल में बिंजन तो तो भी 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 और टोलू बॉल समाते हैं एग्जाम्पल्स मैंने याद करवाया था यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दबके सब क्या है करेक्ट है सबके सब क्या है भाई करेक्ट हैं तो ऑप्शन यानी कि जो द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द रिजिंस इज इज ट्रू और नॉट उसमें आपका याद रखना है ऑल ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेजिन्स ठीक है ना तो ऑल ऑफ हो जाएगा ये प्रॉपर्टी दिया गया रेजिन्स का एमोर्फस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर मैंने सब बता दिया आपको ये सारा डेफिनेशन संभव वाले बैच में मैंने क्लियर किया था तो ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लेंगे कि एसिड कौन से है एस्टर कौन से है रेजिंस अल्कोहल कौन से है। ये सब अल्को अपन रेजिस्ट अपन सॉरी संभव वाले बैच में मैंने आपको क्या किया था क्लियर किया था कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूरिलिक एसिड प्रेजेंट इन असाफोटिडा एंड ट्रीटमेंट विद विदसीएल प्रोड्यूस बताइए ना फ्यूरलिक एसिड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके असाफोटिडा में है अगर इनको हम एस सी एल के साथ एस सी एल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करके देगा अम्बेली फेर एसिड ऐसा रिजनोटेनोल और ऐसा रून क्या देगा के इन फेरोजेंट ऐसा फोटिडा, फोटिडा में प्रेजेंट है अगर हम एसीएल के साथ इसके ट्रीटमेंट करवाते हैं यानी कि हम उसको मिक्स करते हैं तो उसके समय हमें क्या मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट बन करके आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में आपको याद रखना है क्या समझ में नहीं आ रहा है नितेश क्या समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं क्या है ना चलिए क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर यहां पर अम्बेलिक अंबेलिक एसिड हो जाएगा क्या ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे दट इज अंबेलिक

ड्रग में एबसेंट होता है ट्रीटमेंट भी एस एससीएल एल कन्वर्टेड नहीं होता अबेलिक अंबेलिक में कन्वर्ट होता है अंबेलिक एसिड में दिख रहा है क्या अंबेलिक एसिड में क्या होता है कन्वर्ट होता है विच लूजेस द वाटर फॉर्म द अंबेली ऑन जो बाद में क्या बनाते हैं वाटर को लूज करने के बाद अम्बेली फेरॉन बनाता है तो अम्बेली फेरॉन तब बनेगा जब वाटर क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा पहले क्या बनता है अंबेली कैसे बनता है तो सोचो कितना छोटा सा पॉइंट है कि पहले ये क्या बनाते हैं अम्बेली कैसे उसके बाद ये क्या बनाते हैं अम्बेली फेरॉन बनाते हैं जब वाटर उनमें से क्या हो जाता है बाहर आ जाता है तो एक छोटे से पॉइंट को आपको क्या करना है याद रखना है स्टूडेंट ठीक है ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द यूफोरिक प्रिंसिपल ऑफ कैनाबिस प्लांट इज ड्यू टू यूफोरिक प्रिंसिपल यूफोरिक मतलब यूफोरिया में ले जाना यूफोरिया समझते हो ना फीलिंग लाइक like या प्लीजेंट फील होना बहुत अच्छा महसूस करना आपको अच्छी मतलब एक वेल well बींग होता है ना कि आपका जो सारी चीज है माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा ठीक है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं यूफोरिया तो यूफोरिक प्रिंसिपल ऑफ कैनाबिस प्लांट इज ड्यू टू किसके कारण डायहाइड्रोक्सी कैनाबिनोल कैनाबिलोई

क्या है भाई इसका पॉइंट तो केमिकल कंसूट इंडियन हेम्प कंप्राइज 15 टू 20 परसेंट ऑफ द रेजिन प्रेजेंट इन द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन द मेजर एक्टिव प्रिंसिपल वन टू थ्री फोर ट्रांस टेट्रा भाई आपका है जी टी एच कॉमनली नोन एज डेल्टा वन टी किसके कारण होता है डेल्टा वन टी के कारण होता oil, है इट कंटेन वोलाटाइल ऑयल ट्राइगोनलिन कोलिन ये सारी चीजें तो होती हैं याद रखना है कि यूफोरिक प्रिंसिपल जो है वो वन थ्री फोर ट्रांस टेट्रा के कारण होता है क्या होता है भाई वन थ्री फोर

ओलिओ रेजिनस में आपका है कोपीबा कनाडा बॉल्सम कैप्सिकम ओलिओ गम रेजिनस में मीर गुगुल सर है आपका ग्लाइको रेजिनस में आपका जलाप एंडिपुमिया है रेजिनस कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड में बॉल्सम ऑफ टोलु स्टोरेक्स और बॉल्सम ऑफ पेरू आते हैं तो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं

है ना हम्म कैथरेटिक पुरगा अर्जुना टैनिन कार्डियोटोनिक एल एसिड टर्मिनेला और टोमेंटोसा हाँ बताइए क्या होगा इनमें से रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है बेटा ड्रग के क्लास के फार्माकोलॉजिकल एक्शन और प्लांट सोर्स से ठीक है बताइए क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएंगे

कि क्या क्या यहाँ पर क्या है ऑप्शन हैं और ये भी मैंने आपको संभव वाले बैच में बहुत अच्छे से चीजें क्लियर किया था तो एक बार इसको आपको देख लेना है पढ़ लेना है उसके बाद समझ लेना है नेक्स्ट है राइजोम्स ऑफ जिंजीवर ऑफिसिनल अब जिंजीबर ऑफिसिनल की राइजोम्स की बात हो रही है कंटेन सम अर्पिन कुछ सेंसक्यूट अर्पिन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं सम हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन मिनमें से कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं जिसको आपको करेक्ट करना है मतलब उसमें देखना है तो जिंजीवर ऑफिशियल क्या कह रहा है बेटा कि एक हाइड्रोकार्बन है सम हाइड्रोकार्बन नीचे दिया गया उनमें से आपको करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिंजीरोन ए जिंजीब्रीन जिंजीरोल और जिंजर अभी अपन पढ़े थे अभी सॉल्व भी किए थे बताओ ना ये तो क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए हो जाएगा ना क्या कर रहे हो बेटा साहिल अहमद खान कभी हेलो सर कभी हेलो रुद्र कभी हेलो सारिका बस यही करते रहो क्वेश्चंस पे आओ ना आंसर तो कभी तुम्हारा आया नहीं है कि पर क्या होगा बस हेलो हेलो कर रहे हो करके <laughs> चलो क्या हो जाएगा तो जिंजीरोन जिंजीब्रीन जिंजीरो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से वन नाइन वन सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी तो जिंजीब्रीन होंगे क्या हो जाएंगे बेटा जिंजीब्रीन यहां पे करेक्ट आंसर होंगे जो सेन हाइड्रोकार्बन से क्या है

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट गिवन बिलो अब कुछ स्टेटमेंट है उनके रिलेशनशिप को हमें अब क्या करना डिस्कस करना उसके बाद आपके ऑप्शन को यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो कैप्सिन इज अ रेड कलर प्रिंसिपल फ्रॉम द कैप्सिकम एनम सेकेंड है कैप्सिनथीन इज अ वेल अमाइड ऑफ द आइसोडिकोक एसिड

क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए 1917 का क्या होगा बेटा तो आपका एक स्टेटमेंट जो पंजेंसी वाला मैंने आपको बता रहा था कि पंजेंसी वाला क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं करेक्ट हैं ठीक है ना तो एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा एक स्टेटमेंट आपका क्या है इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 यानी एस वाला बाकी सब सब क्या है करेक्ट हैं

एविल स्मेल इज ड्यू टू असफोटिडा ऑयल के पास एक अलग ही स्मेल है एविल स्मेल है किसके कारण से एंबेलिफेरोन के कारण फेरोलिक एसिड के कारण एंबेलिक एसिड के कारण और प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड के कारण किसके कारण है जी बताइए जल्दी किसके कारण है असफोटिडा में जो आपका एक स्मेल है जी उस स्मेल का रीजन क्या है स्टूडेंट जल्दी से क्लियर कीजिए प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स क्या होंगे करेक्ट आंसर क्या होगा तो साफोटीडा ऑयल परजेस एबल स्मेल इज ड्यू टू किसके कारण है भाई तो किसके कारण हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी है ना प्रोटीनस ऑफ सल्फर कंपाउंड अभी मैंने हिंट भी तो दिया था आपको ठीक है ना तो ऑप्शन डी यहां पर क्या होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे कम टू द नेक्स्ट भैया साफोटीडा के बारे में दिया गया बेटा द रिएजेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन चीफली आ, हाँ, टैनोल इन द फ्री और कंबाइंड फॉर्म विद द विदेलिक एसिड क्लियर हो गया एक बार इसको आपको पढ़ना है एक बार देख लेना कि इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है ऐसा प्रोटीडा के बारे में ठीक है ना नेक्स्ट आते हैं सुमात्रा बेन्जुआइन पाउडर सुम्रा बेजुआइन पाउडर पॉइंट ग्राम इज हीटर विदेन एम ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट देन इट प्रोड्यूस क्या देगा भाई बेंजोइन पाउडर को आप किसके साथ हिट कर रहे हो तो पोटासियम पर मैग्नेट के साथ अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा डीप रेडिस ब्राउन कलर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ बेंजलहाइड इज प्रोड्यूस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एबिल स्मेल ऑफ बेंजोइन और यूलिस ब्राउन पीपीटी ऑफ इज प्रोड्यूस बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहां पर इन को अगर हम किसके साथ दे रहे हैं पोटासियम पर के साथ दे रहे हैं तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होंगे करेक्ट होंगे है ना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ बेंजल इज प्रोड्यूस्ड क्या होगा बेटा तो बेंजल डिहाइड का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यानी कि एक स्मेल यहां पर क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वेंज्वाइन का केमिकल टेस्ट ही है जी भाई उसके बारे में दिया जा रहा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ बेंजल डिहाइड्रेड यहां पर क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे एक बार आप इसको क्या करेंगे देख लेंगे ठीक है कर लोगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन पोडोफाइलोटॉक्सिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बताइए ना क्या चीज के ट्रीटमेंट में यूज होगा अर्थराइटिस ग्लोकोमा कैंसर माइग्रेन

गुगुल, कोलोफोनी और पोडोफाइलम बताइए क्या होगा सही ऑप्शन तो क्या होगा बेटा मेलफर्न क्या है एसपीडीएम होगा क्या गुगुल आपका क्या हो जाएगा जी कॉमीफोरा हो जाएगा क्या गुगुल कोलोफोनी क्या हो जाएगा बेटा अंबेर रेजिंस और पोडोफाइलम आपका मेपल ऑप्शन नंबर ए होगा क्या करेक्ट ऑप्शन ए यहां पर क्या होंगे करेक्ट होंगे है ना ऑप्शन ए यहां पर क्या होंगे भाई करेक्ट होंगे ठीक है ना अभी कितने बार मैंने बताया कि पोडोफाइलम को हम एपल कहते हैं और एक ही में तो फोर में क्या है आर है यही से क्वेश्चन क्या हो जाता सॉल्व हो जाता अगर आपने किया होता तो ठीक है ना हाँ जी सही है बिल्कुल 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 हाँ पोडोफाइलम सही है मेपल एपल से आंसर निकल गया सर बिल्कुल सही है ठीक है ना ऐसे ही तो करना है वहां पर ऐसे ही करना है कि ऐसा मत सोचो कि पूरी की पूरी याद करके जाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा कुछ चीजें छूट भी जाएगी और आपने पढ़ा है तो उसका कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स मिलेगा अब यहाँ पर बताओ ना पोडोफाइलम में एपल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था याद हो गया ना और वहीं से क्वेश्चन मिल गया सॉल्व हो गया क्या तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको सॉल्व करा ले जाएंगे

क्या हो जाएगा बेटा वॉट इज दस ऑफ जलाप रेजिन विच यूज एज अ पावरफुल पॉलरफुलटिक्स बताइए ना क्या हो जाएगा भाई इपमिया आपका बताओ यहाँ पे जल्दी से करेक्ट आंसर जलाप का क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इपमिया पुरगा ठीक है ना याद रखेंगे से मैक्सिकन जलाप जलाप रेडिक्स है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है जलाप कंसिस्ट ऑफ कंसिश राइटर क्लोजिस इपमिया पुरगा का क्या है कौन इसे याद भी करवाया था कि कौन भूल सकता है उस बिलाप को

कुर्कुमिक एसिड और कुरकुमिन मिन अल्डिहाइड क्या होगा करेक्ट आंसर क्या प्रेजेंट होंगे यहां पर तो ऑप्शंस नंबर ए कुरकुमिनोइड्स होंगे क्या होंगे भाई कुर्कुमिनाइड्स मिन होंगे ठीक है ना यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे तो कुरकुमिनोइड्स प्रेजेंट होंगे

डी मिथॉक्सी एंड बाई बिस डी मिथॉक्सी कुर्कुमिन एज रिपोर्टेड टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन दीजी ये रिस्पॉसिबल होते हैं वोलाटाइल फाइव परसेंटोडिन इन सब इनमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते ही आपका क्या है जी हर्दी का क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन सोलबल रेजिन इज ऑप्टन फ्रॉम ओलियोगल्यूबल रेजिन फ्रॉम अभी आप सॉल्व किए थे ओलियोगम ऑलियोगम आफ्टर ट्रीटमेंट विद हॉट विदिटे ऑन फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोड्यूस नेचुरल सोल्वर फ्रैक्शन नेचुरल फ्रैक्शन गिव एसिड एंड नॉन किटोनिक पार्ट किटोनिक पार्ट शो बताइए ना क्या रेजिन जो है जो ऑप्टन किया जाता है ओलियोगम ऑलियोग से आफ्टर ट्रीटमेंट विद अ हॉट इथाइल इथिटेट जब हम इथाइल इथसिटेट से उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एक हम और उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं सोल्वर रेजन के साथ उसको ट्रीटमेंट करते हैं न्यूट्रल एसिडिक फ्रैक्शन करता है, मतलब वहां पर प्रोड्यूस करता है उस न्यूट्रल को अगर हम या नॉन पार्ट जो आपका है उसको कीटोनिक पार्ट को उसमें जो प्रेजेंट है दो पार्ट होता है कीटोनिक और नॉन कीटोनिक तो किटोनिक पार्ट क्या शो करता है वहां पर बता रहा है हाइपर लिपिडिमिक एक्शन हाइपोलिपिडिमिक एक्शन हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन और हाइपोग्लाइसेमिक

कर रहा था तो ओलियोम ट्वेंटी टू तो थर्टी डिग्री सेल्सियसिटेड से के साथ देते हैं तो गम सिक्सटी परसेंट इनसोलबल होता है थर्टी परसेंट रेजिस्ट आता है, है उनसे 90 -90 जिनके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और जो आपका न्यूट्रल फ्रैक्शन उसके पास कीटोनिक पार्ट जो होता है वो हाइपोलिपिडेमिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल कम करेगा और नॉन किटोनिक का कोई पर यूजेस नहीं है जी गूगुल्स जी गूगुल गूगुल्स इनके क्या हैं जी इनके एग्जाम्पल्स हैं कीटोनिक पार्ट के जो आपके कहा प्रजेंट है ओलियोग के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जा करके क्वेश्चन था बहुत डीप में ये क्वेश्चन था बहुत कम चांस है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को वहां पर मिलेंगे लेकिन तब भी आपको याद करके जाना है क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं अगर हमें रैंक बनाना है तो हमें तो बहुत डिटेल में जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है ना फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ सिलैक बताइए ना सिलैक अभी पढ़े थे ना जो वक्त से अपन क्या करते, है? करते हैं तो कलर ऑफ सिलैक्स के लिए कौन से कॉन्स्टिचुएंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिलोईक एसिड लैके एसिड एल एलियोरोटिक एसिड और ऑल ऑफ द एब बताइए सिलैक के कलर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए तो आपका है बेटा एसिड ये क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये भी याद रखेंगे सिलेक्ट के लिए क्या है? है एक बार आप इसको देख लीजिएगा कलरिंग मैटर कंटेंट द लैकिक एसिड बीच वॉटर सोल्वल कैसे नेचर के होते हैं तो वॉटर सोल्वल नेचर्स के होते हैं क्लियर याद रखेंगे इस पॉइंट को बाकी एक बार इन चीजों को देख लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंडेड टैनिंस आर आल्सो कॉल्ड एज जो टैनिंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है हाइड्रोलाइजेबल टैनिंस 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 और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिंस तो कंडेन्स टैनिंस को हम और क्या कहते हैं टैनिंस से अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया जी तो कंडेन्स टैनिंस को हम और क्या कहते हैं हाइड्रोलाइजेबल कंडेंस्ड सीडो और नॉन हाइड्रोलाइजेबल

क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा तो थ्री, आपका त्रिफला चूना के आंसर में क्या हो जाएंगे ए एंड बी यानी कि बहरा और दोनों यूज होते हैं ठीक है ना बहरा और मायरो दोनों होते हैं बेटा याद रखेंगे ठीक है ना टेनिंस हैं दोनों के दोनों है ना कर लोगे चलिए तो बहरा में क्या करा बेटा तो बहरा इज यूज एन एस्ट्रीजेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया एंड डायरिया डिस्पेप्सिया डाइजेशन अच्छा ना हो डायरिया हो उसके यूज होता है इट इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ त्रिफला त्रिफला का कॉन्स्टिट्यूंट है परगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा फिक्स्ड ऑयल में डेमल्सन और परगेटिव के रूप में यूज, यूज करेंगे और सोप वगैरह बनाने के लिए भी यूज करेंगे माइरोबलन क्या है बेटा तो इसके पास भी एस्ट्रीजेंट स्टोमेटिक और प्रोगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी आपका त्रिफला चूना का क्या है जी इंग्रेडिएंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या होगा जल्दी बताओ वन नाइन टू एट हाँ जी एम बी ए त्रिफला तो बिल्कुल सही हाँ ए फोर आंबला वहां पर है ठीक है क्या होगा बेटा किस में प्रेजेंट होता है विटामिन सी तो इंडियन गुजबेरी में कहां पर होता है है इंडियन ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सबका सही जा रहा है बिल्कुल सही है ठीक है ना चले तो वही है सिनोनिम्स का क्या है, अम्ला का, का इंडियन गुजबेरी कहते हैं वही आमलाइएला फूल रिच नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी विटामिन सी यानी स्कॉर्पिक एसिड भी इसमें होते हैं फाइलिबलिन भी होते हैं फाइव परसेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना रिच इन मिनरल मेटल्स लाइक द दस आयरन कैल्सियम ये भी होते हैं पेकटीन होते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट मॉइस्चर्स होते हैं ये सारी चीजें प्रेजेंस ऑफ टैन ये सारी चीज इनमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया किसका भाई आमला का ठीक है ना चले नेक्स्ट है शो ऑफ स्टोन सेल इन द माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स ऑफ जो कॉर्टेक्स होते हैं क्या शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में ये क्या इंडिकेट कर रहा है किसमें होता है भाई अर्जुना में अशोका में ब्लैक कैच्यू में या पेल कैच्यू में तो कॉर्टेक्स सो प्रजेंस ऑफ स्टोन सेल इज द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ अर्जुना अशोका ब्लैक कैच्यू पेल कैच्यू किसमें होगा भाई किसमें शो करेगा किसमें करेगा ऑप्शन नंबर बी अशोका में है ना कहां पर होगा बेटा अशोका के अंदर में आपको देखने को मिलेगा स्टोन सेल ठीक है ना तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में स्टोन सेल देखने को मिलेगा तो फिल्म कॉलोडर्म फ्रॉम ऑफ द सेल ये है आपका द प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल

किसके कारण होता है स्टूडेंट बताइए जल्दी से अर्जुना में किसके कारण डायरेटिक्स प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ना किसके कारण होता है तो के एसिड कारण आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे किसके अंदर अंदर में में अर्जुना के अंदर में. क्लियर तो देखना ना क्या करें अर्जुन अर्जुना बार की कार्डियोटोनिक्स कार्डियोटोनिक्स के रूप में हम यूज करते हैं इट रिड्यूस द एंजाइनल फ्रीक्वेंसी एंजाइनल जो होता है जो आपका एंजाइना पैक्टोरिस होता है लोअर लिम्ब टू अपर लिम जो पेन ट्रेवल्स करते हैं

को हम differentiate कर सकते हैं कैसे भाई? Match stick टेस्ट से, gambier टेस्ट से, से से। और भैया बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट तो आएगा ही नहीं ना बॉन ट्राइगर टेस्ट तो यहां पर आएगा ही नहीं तो ऑप्शन डी तो है ही नहीं तो बताइए ना ट्रू टेनि कैसे हम डिफ्रेंसिएट करेंगे तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक है ना इससे रिलेटेड गोल्ड बिटर टेस्ट से रिलेटेड किए थे ना तो वही तो सीरोस के लिए रिलेटेड था तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे क्या अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे इससे रिलेटेड है ना चले नेक्स्ट वही यहां पर दिया गया जी तो हाइड्रोलाइजेबल टेनेंस क्या देगा आपका ट्रीटमेंट इसका पूरा मैंने ट्रिक्स के साथ आपको संभव बैच में बताया था पूरे टेस्ट को ट्रिक्स के साथ मैंने याद करवाया था ठीक है ना तो जिस जिन्होंने अभी संभव बैच नहीं देखा है तो संभव मैंने आठ से नौ क्लास लिया था संभव में उसमें पूरी ट्रिक्स वाले पार्ट को हमने क्या किया था कवर किया था पूरी चीजों को हमने ट्रिक्स से याद करवाया था इवन केमिकल टेस्ट भी हमने ट्रिक्स से वहां पर कवर किया था तो उसको एक बार देख लेंगे ठीक है ना तो यहां पर गोल्ड बिटर टेस्ट करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वन नाइन थ्री टू पे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्जुना बार्क इज गिवेन बिलो अर्जुना बार्क से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने हैं ऑप्शन ए क्या कर रहा है पी में तो एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क शो येलो फ्लोरिसेंस अंडर यूवी लाइट सेकंड है द डाययूरेटिक एक्टिविटी अर्जुन आई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अलजिनोलिक एसिड ये भी सही है इट इज यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक्स आई है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा इज अ डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ द अर्जुना bark बाय द फ्लोरेसेंस टेस्ट बताइए अब इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं कितने ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप आंसर बताइए चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा भाई तो Q R एंड एस आर करेक्ट P इज इन करेक्ट यानी पहले वाला जो ऑप्शन था बेटा वो इन करेक्ट है इसके अलावा सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं करेक्ट हैं क्लियर तो यूबी लाइट में आपको याद रखना है कि ब्लू नहीं आपको पिंकिस फ्लोरिस क्या करते हैं पिंक कलर ये प्रोड्यूस करके देते हैं कौन भाई अर्जुना बाकी सारे पॉइंट आपके यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट थे स्टूडेंट सब के सब क्या थे तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था क्लियर तो याद रखेंगे आपका अडल्टरेंट में देखो, भी आएगा ये सब पॉइंट याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन किनोटैनिक एसिड एंड कीनो रेड इज केमिकलिस्टेंट ऑफ किनोटैनिक एसिड एंड कीनो रेड इज अ केमिकल कंसिस्टुंट ऑफ किसका है पेल कैचू ब्लैक कैचू आमरा और आपका हो जाएगा बेटा टेरोकार्पस किसका हो जाएगा कीनो टैनिक एसिड और कीनोरेट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है पेल ब्लैक आमरा और टेरोपास क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर टैनिक एसिड और किनो रेड तो आपका टेरोकार्पास का ही होगा ना तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगी ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होंगे ठीक है ना डी आपका बिल्कुल सही है हाजी

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट फिर से दिया गया है वन इज लेबल्ड एज असरसन असरसन रीजन क्वेश्चन दिया गया असरसन में क्या कह रहा है कि ब्लैक कैचू गिव पिंक और रेड कलर विद द वैनिलिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रीजन कह रहा है कैटेसिन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक कैचू बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर

तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए ठीक है ना ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहां यहां पर पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटेचिन ब्लैक कैच हो पिंक और रेड कलर विद द एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले स्टेटमेंट में ही जस्टिफाई हो जाता है कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी कि जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है असर्सन का है साफ साफ यहां पर चीजें क्लियर किया गया है बाकी और भी पॉइंट किए गए हैं उसको एक बार आप लोग रीड कर लेंगे जैसा कि कैटेचिन वेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस फ्लोरोग्लोनिन सोल्व विच वर्न टू गिव पर्पल मैग्नेटा कलर ठीक है ना लाइम वाटर वन एडेड टू एक्स एक्सट्राइट ब्लैक गिव ब्राउन कलर लाइम वाटर के साथ sometimes. Sometimes के लिए छोड़ेंगे तो रेड आपको हो जाएगा. Black cashew. Black cashew में अगर आपने किसको एड किया भाई तो फेर uh, को सल्फेट फेरिक अमोनियम सल्फेट को एड करेंगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा तो अलग अलग टेस्ट यहाँ पर दिए गए है ना अलग अलग टेस्ट आपको क्या करना है याद करना है ठीक है

तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज द पेल कैश्यू है ना ये तो अपन सॉल्व किया ही थे क्वेश्चन तो भाई पेल कैश्यू के बारे में दिया गया टेस्ट शो करता है एक बार इसको आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द वॉटर सोल्वल पोर्शन ऑफ बेटा उसको क्या कहते हैं जो वॉटर सोल्वल पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन है जी बैसोरीन मायरोसिन टाइरोसिन ट्रेगा तो ट्रैगा में वॉटर सोल्वल जो पोर्शन है उसका नाम क्या है स्टूडेंट ऑप्शन सी आ रहा है क्या ऑप्शन सी आ रहा है ऑप्शन डी है जी ट्रैगा कैंथीन कहते हैं क्या कहते हैं ट्रैगा कैंथीन कहते हैं तो केमिकल कंसिस्टेंट एक बार पढ़ लीजिए ट्रैगा कैंथ का ट्रैगा कांथ कंटेन टू फ्रैक्शन ऑफ व्हिच वन इज सॉल्वल इन वाटर। दो फ्रैक्शन है जो वाटर में सॉल्वल होते हैं वॉटर सॉल्वल पोर्सन ऑफ द ट्रैगा नोन एज ट्रैगा कॉन्स्टिट्यूटिंग एट टू टेन ऑफ द टोटल गम और वॉटर सोल्वर को हम स्वेल जाता है तो ये सब फीचर्स आपको याद रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मैराथन सीरीज में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इतना भी करके जाओगे तो वहां पर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएंगे ठीक है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही हार्ड लेवल पे आपको क्वेश्चन को तैयार किए नेक्स्ट है एग्रोपेक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बताइए ना एग्रोपेक्टिन क्या करवाएगा जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सिलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग विस्कोसिटी ऑफ ऑफ द द एंड ऑल विन क्या होगा करेक्ट आंसर क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एग्रोपेक्टीन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सिलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग विस्कोसिटी ऑफ द आगार सॉल्यूशन और ऑल ऑफ द एब इज़ द करेक्ट आंसर फॉर वन नाइन थ्री सेवन ऑप्शन नंबर सी विस्कोसिटी ऑफ द अगार सोल्यूशन के लिए एग्रोपेक्टिन क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे विस्कोसिटी सॉल्यूशंस के क्या करेंगे इनक्रीज करेंगे क्लियर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है तो अगार्ट टू डिफरेंट एग्रोज एंड अगारो पैक्टिन अग्रोज फॉर जेल स्ट्रेंथ

केसिया और स्टेरकुलिया तो गम्स को किस प्लांट से ऑपटेंड किया जाता है स्टूडेंट किस प्लांट से आपको ऑपटेंड किया जाता है तो ऑप्शन डी नाम से क्लियर है जी स्टेरकुलिया स्टेरकुलिया यूरेन्स से ऑप्टेंट किए जाएंगे किससे ऑप्टेंट किए जाते हैं तो स्टेरकुलिया यूरेन्स ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा नाम से ही है स्टेरकुलिया यूरेन्स और स्टेरकुलिया ठीक है ना कर लोगे तो यहां पर दिया गया है गुआर गम में कि क्या उन कहा से ऑप्टेन किए जाते हैं ठीक है एक बार आप इसको देख लेना इस शीट को याद करना इनके केमिकल इनके यूजेस है बायोलॉजिकल सोर्स है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं द गम दैट इज नोट ऑपटेन फ्रॉम द लेगुमिनोसी प्लांट लेगुमिनोसी फैमिली वाले प्लांट से वैसे गम जिनको ऑप्टेन नहीं किया जाता है ऑप्शन ऑप्शनिया गुआर गम गति और ट्रैगा गम दॉ plant. फ्रॉम द से प्लांट obtain नहीं किया जाता है ऑप्शन है, से बताइए ना द मिनेसि प्लांट से जिनको हम ऑप्टेन नहीं करते हैं उस गम के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर गम घटी ठीक है ना तो गम घटी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना तो ये इनके क्रूड ड्रग है उनकी फैमिली है लेगुमिनेसी ही मैक्सिमम आपको दिया गया है तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा ठीक है ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आइस इज गिवेन ईसा इज गिवेन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन अब इनमें से

इनकरेक्ट अरे नहीं नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा भाई ऑप्शन से नहीं होंगे क्या होंगे ऑप्शन डी होंगे दैट इज द मिलंस टेस्ट इज यूज फॉर द प्योरिटी ऑफ अबुल ठीक है ना ये आपके ऑप्शन डी इन करेक्ट है बाकी सब सही है तो वही कह रहा है प्लांट गो बेटा से इनको हम, सी फैमिली है आपके प्योरिटी ऑफ आप द ड्रग के बारे में बताया जाएगा पर को पिंक कलर तो वहां पर आपका जो लास्ट है जी वो आपका मिलन टेस्ट नहीं है ठीक है ना ये आपको पॉइंट याद रखना है मिलन टेस्ट तो आपके उसके लिए था ना बेटा प्रोटीन के लिए है ना मैंने आपको बता दू ना कि मिलो किलोमीटर जैन लोग चले थे मैंने ट्रिक्स भी दिया था तो आपको वहां पर क्या हो जाएगा मिलन टेस्ट नहीं होंगे बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे ठीक है ना अरे मिलन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए होते हैं किसके लिए होते हैं प्रोटीन्स के लिए मैंने याद करवाया था टेस्ट फॉर प्रोटीन्स में नेक्स्ट आते हैं इनवर्ट सुगर प्रेजेंट इन हनी इज अ मिक्सचर ऑफ इन्वर्ट सुगर प्रेजेंट इन हनी हनी में प्रेजेंट किसके मिक्सचर है कैल्सियम एंड नाइट्रोजन के मैगनीशियम एंड बैक्स के एंड कार्बन के ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज के ये सब तो डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है मतलब इसको तो आपको क्या करना है याद कर लेना है तो इनवर्ट सुगर प्रजेंट इन हनी इज अ मिक्सचर ऑफ किसके मिक्सचर है जी तो इन्वर्ट सुगर जो हनी में प्रेजेंट होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिक्सचर हैं किसके हैं भाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिक्सर है।, है आप सभी का सही आ रहा है, ना चलिए डायरेक्ट इसको याद करना है क्या है जी भाई मिक्सिंग है जो आपका प्रेजेंट होता है ठीक है ना इट तो इज इक्वल पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट है स्टार्च कंटेन अमाइलोजेटीन इन द प्रोपोर्शन ऑफ

अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में वन इंस टू टू रहेगा ना अमाइलोज वन परसेंट और अमाइलोपेक्टिन क्या होंगे टू परसेंट रहेंगे ठीक है क्लियर चले तो स्टार्च कंटेन अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन इन प्रोपोर्शन ऑफ वन इंस टू टू कर लोगे? के proportion में ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं तो यहां पर स्टार्च वही है स्टार्च कंटेंट केमिकली टू डिफरेंट पोलिसक्राइड अमाइलूज एंड इसमें प्रेजेंट होता है प्रोपोर्सन एस टू टू रहेगा याद रखेंगे बेटा अमाइलोज वॉटर सॉलबल होता है अमाइलोपेक्टिन बॉटर इनसॉलबल होता है फॉर द जिलेटनाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्च स्टार्च के प्रॉपर्टीज के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है ना वन एस टू टू याद रखेंगे वन एस टू थ्री नहीं है मार्स टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बताइए मार्स टेस्ट जो है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हनी कैरजनीन और डेक्सर किसके, किसके लिए यूज किए जाते हैं तो मार्स टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तो मार्स टेस्ट आपका कैरामिल्स के लिए होंगे ठीक है ना क्या होंगे भाई कैरामिल्स के लिए याद भी अपन हैं कि मार्स पे गए कैमिल ऊंट पे बैठ करके याद भी कर सकते हो कि के लिए है ठीक है ना तो मार्स टेस्ट टू सिक्स एम एल सोल्यूशन ऑफ कैरा एट सिक्स अल्कोहल एंड मिक्स ठीक है ना ये आपका मासेंट है जिसको आपको यूज करना है ठीक है कर कैरामिल्स के बारे में मास्ट टेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्टार्च स्टार्च साइज़ साइज़ के से रिलेटेड इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है नॉट ट्रू पूछा जा रहा है राइस टू टू फिफ्टी माइक्रोन पोटैटो थर्टी टू हंड्रेड माइक्रोन व्हीट फाइव टू फिफ्टी एंड मेज फाइव टू थर्टी वन माइक्रोन मीटर बताइए ना करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्टार्च ग्रेन्यूल साइज स्टार्च ग्रेन्यूल साइज से रिलेटेड ये ट्रू नहीं है किनके भाई क्लियर हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे राइस टू टू फिफ्टी माइक्रोमीटर ये सही नहीं है बाकी सब सही है ठीक है ना सबके दिए गए हैं बेटा मेज स्टार्च का फाइव टू थर्टी है आपका राइस टू टू ट्वेल्व यू है ठीक है ना याद रखेंगे डायमीटर में वीट का आपका फाइव टू फिफ्टी माइक्रोन है पोटैटो का आपका टेन टू थर्टी फाइव है तो ये एक बार डेटा देख लेना एक बार देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको देख लेना समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप कर ले तो, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा क्योंकि हर कोई से यह सॉल्व नहीं होगा तो रैंक बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है ये सारी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोलिसोसाइड एसियाटिकोसाइड को अगर हम हाइड्रोलिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मेडिसिक एसिड प्लस टू ग्लूकोज प्लस एसिड एसियो ग्लूकोज प्लस रायोनोज एसियटिक एसिड प्लस टू ग्लूकोज प्लस टू रेमोनोज एंड एसियटिक एसिड प्लस ग्लूकोज प्लस टू रामोनोज ठीक है ना तो बताइए क्या होगा क्या मिलेगा भाई अगर हम एसियाटिकोसाइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में हाँ पोटैटो का भी शायद वहां पे गलत दिया गया था ठीक है डोंट वरी यहां पर हो गया बताओ जल्दी आंसर ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसेटिकोसाइड क्या मिलेगा तो एसेटिकोसाइड प्लस टू ग्लूकोज प्लस रेमनोज मिलेंगे ना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहां पर ठीक है बेटा ऑप्शन बी यानी कि अगर हम साइड को असियाटिकोसाइड को करेंगे तो हमें टू प्लस प्लस टू नहीं केवल यहां पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो ब्राह्मी की बात की जाए तो ब्राह्मी का है तो है? है ना जो बायोलॉजिकल सोर्स तो द्रग कंटेंट ग्लाइकोसाइड ट्राफिनोट साइपोजनोसाइडिकोसाइड एंड द मेडिकोसाइड है ना यहाँ से आपको लिया गया था सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सीआरटी का भी इसको कहा जाता है

एकिरेंथस, एस्परा और बोहरबिया डिफुसा तो क्या हो जाएगा कहां पर होंगे भाई फिनोली ग्लाइकोसाइड बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर तो ट्रेडिशनल ड्रग विच कंटेन फिनोलिक लाइकोसाइड तो क्या होंगे करेक्ट आंसर यहां पर यहां पर हो जाएगा जी वोर हैबिया डिफूसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वोर हैबिया डिफूसा यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा तो क्या कर रहा है भाई तो पुनर्नावा में आपका केमिकल कंस्टिट्यूशन में है पुनर्नावा कंटेन पॉइंट टू पॉइंट ऑफ द एल्कोलॉइड नॉन एज अ पुनर्नवाइन फिनोलिक लाइकोसाइड है ठीक है ना यहाँ पर पॉइंट दिया गया तो फिनोलिक यहाँ पर याद रखेंगे जिसमें बोरोबेनोन ए बी सी डी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना तो ये आपका फिनोलिक है पुनार जो आपका पुनर नावाज जो आपका ड्रग है उसको आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सतावरिन इज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ सतावरिन किसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है कोन बुलबुलस फ्लुरिकोलिस एस्पार्गस रेसिमोसस और बोरहेबिया डिफुजा सेम ऑप्शंस के साथ है सतावरीन. सदियों से इस पार क्या हो रहा है रेस हो रहा है सदियों से सताबरीन है ना शायद यहां पर स्पार्गस रेसिमोस होगा क्या गुड ठीक है ना सताबरी का तो यही है ना स्पारगस रेसिमोस इसका बायोलॉजिकल सोर्स मैंने याद भी करवाया था सदियों से इस पार रेस हो रहा है

विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोबैकुलर मैरिन ड्रग कार्डियोबैकुलर मैरिन ड्रग मैंने अभी याद करवाया था लिस्ट दिया था मैरिन ड्रग का तो बताओ ना सिलुलरीन, और डोमोइक एसिड इनमें बताइए ना कार्डियोस्कुलर मैरिन ड्रग यानी कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनके पास कार्डियोबाइस्कुलर प्रॉपर्टीज हैं मैरिन ड्रग के अंदर में आते हैं कहां पर आते हैं भाई तो मैरिन ड्रग के अंदर में आते हैं तो विच इज द एक्साम्पल ऑफ कार्डियोबाइस्कुलर मैरिन ड्रग फ्यूकोइडन और लेमोइक एसिड क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैमिनिन लैमिनिन के पास क्या जी तो कार्डियो प्रॉपर्टीज है मैरिन ड्रग है ठीक है ना तो याद रखेंगे एग्जाम्पल है जी भी आपका एंटी एंटीबायोटिक कंपाउंड कौन से है एंटी इनफ्लामेटरी कौन, कौन है एंटी माइक्रोबियल कौन है कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर्टीज किसके पास है तो देखो ना यहाँ पे लैमिनिन है क्या

गोसिपियम बैरबिडेंस फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द सीड ऑफ गोसिपियम स्टैंड ऑफ द फ्लोइंग फाइबर ऑफ द स्टेम बार्क ऑफ द गोसिपियम हर्बेक्यूर बताइए क्या हो जाएगा भाई बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सर्जिकल कॉन्टेंट सर्जिकल कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सर्जिकल कॉटन सर्जिकल कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ गॉसिपियम ठीक है ना तो बार्बिडेंस आपका गोसिपियम बार्बेडेंस इनको हम सर्जिकल कॉटन को क्या करते हैं ऑप्शन कहते हैं इसको याद कर लेना मे भी यहां से क्वेश्चन आ जाए आपको जीपेट में ठीक है ना सर्जिकल कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स ठीक है ना तो गॉसिपियम बार्बेडेंस आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है ना तो कॉटन की बात कर रहा है तो रॉ कॉटन कॉटन वूल प्यूरिफाइड कॉटन सर्जिकल कॉटन भी इसको कहते हैं इसको बायोलॉजिकल सोर्स क्या तो ट्राइकोम ऑफ द सीड ऑफ द कल्टीवेटेड स्पीसी ऑफ द गॉसिपियम गोसिपियम हर्बिक्यूर्स गॉप्सिपियम ये इनका क्या सब स्पीसीज है बिलोंगिंग टू तो द फैमिली मालवेसी कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फैमिली भी याद रखना है मालबेसी है प्योरीफाइड कॉटन और गॉसिपियम हर्बिक्योर गॉसिपियम बार बट फ्रीड फ्रॉम द फैटी मैटर एंड द इंप्योरिटीज इट इज आल्सो ब्लीच्ड एंड स्टेलाइज इसको ब्लीच किया जाता है इनको स्टेलाइज किया जाता है उसके बाद फर्दर इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है सर्जरी वगैरह के केस में ये यहां पर अब्जॉर्बेंट क्वेश्चन कॉटन से रिलेटेड कुछ पार्ट था क्वेश्चन था उसको ध्यान रखना है चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी आज का जो मैराथन है उसका लास्ट क्वेश्चन एज पर एज आई पी इंडियन फार्माकोपिया सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग बताइए ना सर्जिकल ड्रेसिंग जो होता है शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग इससे ज्यादा नहीं फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री फोर्टी डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कॉटन वाला और ये सर्जिकल वाला ध्यान रखना है ठीक है ना क्या है भाई तो एज पर एज आईपी सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग बताओ ना कितने टेम्परेचर से ऊपर इसको नहीं रख सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके जीपैट के लिए है ना मैंने आपको दो क्वेश्चंस पे लगाया है स्टार्स बाकी और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको तो बिल्कुल ध्यान करके जाना इस बार 50, 60, 40, 25 क्या हो जाएगा तो नॉट मोर देन 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं देना यही है ना रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं देना है स्टूडेंट यहां पर वही पॉइंट देखिए एक्सप्लेन कर रहा है फॉलोइंग फंक्शन टू रिड्यूस द प्रिवेंट इशन नहीं होना चाहिए अब बहुत सारे रिक्वायरमेंट है क्या है दिसलाइज बिफोर यूज यानी यूज करने के पहले आप स्टेलाइज कर लीजिए अलग अलग मेथड होते स्टेलाइजेशन माइक्रोबाइल में, microbiology में आपने पढ़ा होगा से जीपेड में क्वेश्चन आते हैं ड्राइविनेट प्लेसरेचर not exceeding 25 degree देखो ना दिख रहा है ना मेरे पीछे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए के के साथ आपको के साथ आपको करना चाहिए. मोनोग्राफ जो मोनोग्राफ दिया गया है जो एसओपी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए ये आपका क्या है जी सर्जिकल ड्रेसिंग का क्वेश्चंस वाला इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया कॉटन का सोर्स मैंने बता दिया उसकी फैमिली आपको याद रखना मालवेसी तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगली क्लास से शायद हम कंप्लीट सिलेबस लेकर के आने वाले यानी कि अगले जो हमारे साथ 30, 30 अप्रैल को हमारी जो क्लासेस uh, लगाएगी उसमें हम कंप्लीट एक बार फार्मा को गुनुसी आएंगे एक बार कंप्लीट हम बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के साथ आएंगे एक बार हम कंप्लीट माइक्रो बायोलॉजी और एच के साथ आएंगे ठीक है ना तो अब हम कंप्लीट आ रहे हैं अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा था अभी जितने भी हमारे टेस्ट चल रहे थे मैराथन वाली सीरीज जो चल रही थी वो टॉपिक वाइज चल रहा था अब हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं तो आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि फुल सिलेबस की स्टडी करके आए है ना यानी अगली बार जब भी आप आएंगे आपको

कितना फोकस्ड हो आप कितना अवेयर हो आप कितना डेडिकेटेड हो प्रोफेशन के लिए आप अपने रिजल्ट के लिए यही आपका लास्ट बिल्कुल जब रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आपको ये जो एनर्जी आप अभी जो लगा रहे हो वो एनर्जी आपको सबसे ज्यादा काम करेगा तो बिल्कुल एनर्जेटिक्स बने रहिए सारी चीजों को छोड़ दीजिए मॉड्यूल्स हैं जो भी आपको प्रोवाइड किया है आपने अलग, अलग से कोई मंत्रा बुक अगर आपने लिए है या आपने दूसरे अलग बुक अगर आपने परचेस किया है तो उन सबसे क्वेश्चन को लगाइए उसके सोल्यूशन को पढ़िए बिल्कुल लीन हो जाइए बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाइए केबल और केबल 23 थ्री जीपेट आपके माइंड में आना चाहिए ठीक है ना इसके अलावा नथिंग इसके बाद फिर कर लेना ना जब पेपर एंड हो जाएगा उसके बाद अगले दिन से आपको जितनी भी मस्ती करना है फिर मस्ती प्लीज अभी फिलहाल आपको क्या करना है कोई लोड नहीं लेना हेडेक नहीं लेना है आराम से चीजों को सॉल्व करना है आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन किया है मैं जहां तक देख रहा हूं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से चीजों को क्या कर रहे हैं डील कर रहे हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सम स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फालतू की चीजों को आकर यहां पर डिस्टर्ब कर लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको क्या करना है अपने एम पे फोकस रहना तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सीरीज के साथ ठीक है ना और होपफुली आपको मुझे जहां तक लगता है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे ऐसे ही आएंगे ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे मुझे भी और हमारी टीम यानी कि जी को भी तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ थैंक यू एवरी वन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड आवर टीम ऑल्सो थैंक यू एवरी वन गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट